यार कपिल मुझे चल के दिखा दो, मैं सीख लेती हूँ तुमसे, मुझे कैटवॉक करके दिखाओ, चलो। सॉरी, थैंक यू वेरी मच एंड गेट लॉस्ट। तुम्हें कभी किसी लड़की को कॉम्प्लीमेंट देना नहीं आता ना, कभी किसी को कहा है कि तुम हॉट हो या ब्यूटीफुल हो? मुझे समझ में नहीं आता हॉट कैसे, कब मैंने कल एक लड़की को बोला, वो भी तुम्हारी तरह थोड़ी इंग्लिश वीक थी उसकी। ओह, शी वाज वेरी लो इन इंग्लिश। आई टोल्ड हर दैट यस्टरडे योर टेंपरेचर इज वेरी हाई एंड शी सेड आई एम नॉर्मल। उसको बेवकूफ को पता चला मैं उसको हॉट बोल रहा हूं। वो पता है मेरे बारे में आपके कुछ विचार हैं? नॉर्मली यू आर 98 एक्चुअली, बट यू मे बी गो बिहाइंड द 101 डिग्री एक्चुअली। मे बी फंक्शन खत्म होने तक यू विल बिकम अ यू नो लाइक अ पिज़्ज़ा ऑन, समबडी कैन मेक अ पिज़्ज़ा ऑन योर फॉरहेड एंड यू आर जस्ट ब्यूटीफुल यार। क्या बात है, थैंक यू कपिल। तुम तो सीरियसली मेरी तारीफ करने लगे, मैं तो ऐसे ही मजाक से पूछ रही थी यार। अच्छा मजाक भी तुम करोगी है, मैं क्या वड़ा पाव खाने आऊं यहां पे? मजाक भी अब सारा कुछ यही करेंगी अब। जहां तक मेरा अंदाजा है, अंदाजा बड़ा लगाते हैं इंडिया तुम में लोग। यहां होस्ट करने आए हो? हां तो वो चल रहा है वो, देखो भाई साहब। अच्छा ये देखो आपकी बेटी है आपकी, हैं? बीवी को क्यों नहीं पकड़ाते? शादीशुदा आदमी देख ला बच्चे पिला, और बीवी भी, मैंने देखा है एक दो साल तक ही बच्चे को संभालती, बाद में पति की गोद में बिठा देती। लो तुम्हारा भी उतना ही हाथ है इस साजिश में। एनीवेज अंदाजे की बात चल रही थी। हमारे हिंदुस्तान में लोग अंदाजा बड़ा लगाते हैं, घर में चार चार घड़ियां पड़ी होती फिर भी सोच रहे होते यार 9:30 लगता है हो गए, दियार बाती खत्म हो गया है, सभी घरों से हंसने की आवाज आ रही, लगता है कॉमेडी नाइट विद कपिल शुरू हो गया। कोई और प्रमोशन नहीं करता तो हम लोग खुद प्रमोशन करने में विश्वास रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अंदाजा लगाना भी एक हुनर है कपिल, लेकिन ये हुनर एक जगह बिल्कुल काम नहीं करता है, वो है क्विज शो में। आई लव क्विज शोज एक्चुअली, मेरी तो जनरल नॉलेज इतनी पक्की है, मैं क्विज शो में चला जाऊं तो पक्का जीत के आऊंगी, ये मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं। अच्छा तो मैं तुम्हारी जनरल नॉलेज जरा टेस्ट करना चाहूंगी। यस बताओ पानीपत में कितनी लड़ाई हुई थी? 4। बड़ी बेकार है यार, पानीपत में 3 लड़ाइयां हुई थी। मेरे मामा की जब बारात गई थी पानीपत में, हमने दारू पी के जो लड़ाई हुई वो चौथी लड़ाई कौन गिनेगा? हमेशा किताबी ये बुक वॉर्म्स। अरे बड़ी हुई उसके बाद तो, उसके बाद तो सब्जी वालों ने सड़क के ऊपर ठेले लगाने शुरू कर दिए, पुलिस आई उन्होंने कहा हटाओ, उसके बाद में उनकी फिर लड़ाई हुई, 5वीं लड़ाई। मैंने तुम्हें बताता नहीं हूँ अभी, लड़ाइयां तो बड़ी हुई है यार। तुम्हारे जैसे गेस्ट को ना कोई अपना... मैं क्यों करूं भाई? अच्छा ठीक है मैं कर देती हूँ, लेकिन मैं अगर तुमसे ज्यादा काम करूंगी मुझे ज्यादा अच्छी पेमेंट मिलनी चाहिए, कबूल है? बोलो। मैं क्यों बोलूं, जिनका शो कबूल है वो 1.5 साल से खुद नहीं बोल रहे हैं। एक तो ये सीरियल वाले चुप रह रहे के स्टोरी लंबी करते रहते हैं। सास अगर बहू को वैसे किसी गलती के लिए डांट दे तो वो चुप रहती है, फिर उसका ससुर, तीनों देवर, तीनों देवरानियां, जेठानियां, पांचों ननद, रामू काका, माली, ड्राइवर, सब उसे डांटते ना देते, जब तक तब तक वो चुप रहती है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, तुम्हें पता है मेरे पास एक ऐसी जादुई शक्ति है जिससे मैं पूरी दुनिया में नजर रख सकता हूँ। वेरी फनी, ऐसी शक्ति सिर्फ सलमान खान के पास है। अरे वो तो 10-12 लोगों में नजर रखते हैं ना, मैं तो पूरी दुनिया में नजर रखता हूँ। और मेरा इस काम में हेल्प करते हैं हमारे न्यूज चैनल्स, जो मुझे 24 घंटे देश विदेश की लेटेस्ट खबरें देते रहते हैं। कल ही मैंने न्यूज में देखा कि एक चाइना के किसी आदमी ने 100 शादियां की। वो तो इसीलिए ना क्योंकि चाइना के माल की ज्यादा गारंटी नहीं होती।